उपमंडल जवाली के अंतर्गत कहरिया गांव में एक कर्नल के घर से अज्ञात चोर लाखों के गहने व अन्य सामान चुरा ले गए। कर्नल कृपाल सिंह सुपुत्र श्री रतन सिंह गांव कहरिया जो कि आर्मी में कर्नल पठानकोट में तैनात है। कृपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस थाना जवाली के ASI मौके पर पहुंचे और पूरी वारदात का जायजा लिया। कर्नल कृपाल सिंह का कहना है कि वह शाम को पठानकोट से जवाली घर पहुंचने पर उनके घर का मेन गेट खोलने के उपरांत घर के अंदर के दरवाजे के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें अलमारी के लोकर टूटे हुए पाए गए, जिसमें वेट बॉक्स के लोकर भी जबरदस्ती तोड़े गए थे। इस वारदात का पता चलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कृपाल सिंह ने DSP ज्ञान चंद ठाकुर से आग्रह किया है कि इस वारदात को जिन लोगों ने अंजाम दिया है इसे पूरे गहराई के साथ खोजबीन की जाए और आरोपियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। DSP ज्ञानचंद ठाकुर ने कहा कि हमारी टीम मौके पर गई हुई थी और मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। करुण हूँ और मैं जो है पंजाब के बॉर्डर लक में तैनात हूँ। तो जो मिसेज मेरी पठानकोट में रहती है वो बीच में घर में आती थी और जब मैं आज छुट्टी आया हूँ, आज शनिवार के दिन शाम को तकरीबन 5:30 बजे के बीच में पहुँचे हम, तब देखा कि मेन डोर का जो है वो उसका जो दोनों डोरों की जो लॉक तोड़ी हुई थी और तोड़ के अंदर ये है जब हम घुसे जो उसने या देखे कि टूटे हुए हैं, तो जैसे हम अंदर घुसे तो पूरा जो सामान जो है बिखरा हुआ मिला। अलमीरा जो है वो तोड़ी हुई थी, अलमीरा की लॉक ये है वो ज़बरदस्ती उन्होंने तोड़े हुए थे और बेड बॉक्स पूरी उन्होंने खोल खाल के जो है सामान को तितर बितर किया होता। और इसमें यह है जो ज्वेलरी वगैरह या दूसरी जो जेम्स वगैरह रखे थे, वैल्यू जेम्स वगैरह रखे थे अलमीरा में, वो उठा के लेके गए हुए हैं। और दूसरा जो है जो कुछ एक क्लोथिंग वैल्यूबल साड़ियाँ थी और जो वैल्यूबल आइटम थी वो बेडों बॉक्स से निकाल के वो भी साथ में लेके गए हुए हैं। और तकरीबन यह है इसका एस्टिमेट तो अभी क्योंकि मैं अभी शाम को पहुँचा हूँ और बाकी जो पूरा गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो उस कारण से मैं जजमेंट तो नहीं कर पाया पूरा कितना है और भी हमें सर्च करना पड़ेगा। तकरीबन जो है 5.5-6 लाख रुपया तो अभी तकरीबन अभी का जो वैल्यूबल है वो चली गई है।